नमस्कार, देश विदेश को स्वागत करुछु माधुरी। प्रथमे हेडलाइंस। प्रधानमंत्री कोरोना समीक्षा बैठक, सबु राज्यर मुख्यमंत्री कथा आले मोदी, कहिले पर्याप्त परिमाण ऑक्सीजन महजूद रख, स्वास्थ्य भित्तिभूमि प्रस्तुत रखा राज्य सरकार को देले परामर्श। विकानेर एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त, पश्चिमबंगर दोमहाणी निकट में ट्रेन लाइन च्युत, दुर्घटन अनेक यात्री आहत होता सूचना, धारण में फाट जो दुर्घटना अनुमान। विश्व कोरोना रिकॉर्ड संक्रमण, सप्ताह भितर आक्रांतों संख्या डेढ़ कोटी पार, 43,000 रु अधिक लोकों मृत्यु, सेपट आफ्रिका देश में 85% लोक नहीं प्रथम डोज। इसरोर नुआ मुख्य हेले एस सोमनाथ, रॉकेट इंजीनियर इसरो मुख्य पर्यंत यात्रा, रॉकेटर विकास क्षेत्र में रही महत्वपूर्ण योगदान, लॉन्च व्हीकल डिजाइन मास्टर भावे बेस जनाश। पूर्वापेक्षा अधिक शक्तिशाली है भारतीय पासपोर्ट, एवं 60 देश को बिना भिसारे करिपारिबे यात्रा, पासपोर्टधारी को मिल लाभ, पासपोर्टर रैंकिंग रे दुनिया शक्तिशाली राष्ट्र को पछरे पकाइला भारत। अंतर्जातीय महिला हॉकी लिलिमा मिंज का अवसर, दल प्रति असंतोष जाहिर करे निष्पत्ति, कहले गत दशंधि मो पाई अत्यंत स्वतंत्र थिला, बिताई समय को मु सर्वदा मन रखी। संपूर्ण खबर को राज्य में मुख्यमंत्री मानंक सह प्रधानमंत्री कोविड समीक्षा बैठक, जीवन जीविका को प्रभावित नक समस्त प्रकार पदक्षेप ने परामर्श। आज वर्चुअल मोड में विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री बैठक कर महामारी मुकाबलार आक्शन प्लान प्रस्तुत को जोरदार कर प्रधानमंत्री। कोरोना लड़ाई रे वैक्सीन प्रमुख अस्त्र, कोविड मुकाबला पाई केन्द्र और राज्य मानकर सामूहिक उद्यम, कोरोना प्रोटोकॉल और आइसोलेशन को गुरुत्व, फ्रंटलाइन वर्कर को प्रधानमंत्री प्रशंसा। देश में कोविड 19 ओमिक्रॉन वेरिएंट मामला दिनक दिन बढ़िया लगी, गुरुवार जनवरी 13 तारीख में देशर कोविड परिस्थिति को नहीं प्रधानमंत्री मोदी समस्त राज्यर मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए समीक्षा बैठक करिछंती। बैठक में कोविड संक्रमण को नियंत्रण करने निया पदक्षेपर विश्लेषण करिछंती प्रधानमंत्री। ओमिक्रॉन वेरिएंट अधिक संक्रमक होइतिबारु देश पई चिंतार विषय होइछि, किंतु राज्य मानक सटीक पदक्षेप ए संक्रमण को सीमित रखि परिबो बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। साथियों, ओमिक्रॉन को लेकर पहले जो संशय की स्थिति थी वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। पहले जो वेरिएंट थे उनकी अपेक्षा में कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है। अमेरिका जैसे देश में एक दिन में 14 लाख तक नए केसेस सामने आए हैं। भारत में हमारे वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट्स हर स्थिति और आंकड़ों का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। ये बात साफ है, हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। तबे वर्तमान परिस्थिति रे वैक्सीन ही कोरोना लड़ाई रो सबटु बड़ा अस्त्र रूपे काम करूची। देशर टीकाकरण रो द्रुतता पूरा विश्व आगरे भारतर सामर्थ्य को दर्शाई। समस्त राज्य रे टीकाकरण को द्रुत करिबा सहित ट्रेसिंग टेस्टिंग ट्रीटमेंट उपरे गुरुत्व देबाकु प्रधानमंत्री बैठक रे कहिछंती। 92% वयस्क जनसंख्या को पहली डोज दे चुका है। देश में दूसरी डोज की कवरेज में भी 70% के आसपास पहुंच चुके हैं और हमारे वैक्सीनेशन अभियान को
एक साल पूरे होने में अभी भी 3 दिन बाकी है। 10 दिन के भीतर ही भारत अपने लगभग 3 करोड़ किशोरों का भी टीकाकरण कर चुका है। ये भारत के सामर्थ्य को दिखाता है, इस चुनौती से निपटने की हमारी तैयारी को दिखाता है। आज राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को प्रिकॉशन डोज जितनी जल्दी लगेगी उतना ही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का सामर्थ्य बढ़ेगा। समस्त राज्य रे तरुण मानकर टीकाकरण को मध्य त्वरान्वित करबा नै आलोचना करा जाइछि। एही बैठक रे देशर विभिन्न राज्य रे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विशेषज्ञ सहित केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह मध्य जोग देथिले। चलित वर्ष समस्त राज्य रे मुख्यमंत्री सह प्रधानमंत्री एहा प्रथम बैठक। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज। विश्वरे भांगुछि कोरोना संक्रमणर रेकर्ड। सप्ताहरे कोरोनारे आक्रांत होइछन्ते 1.5 कोटी लोक। एहारि मध्यरे विश्व स्वास्थ्य संगठन मंगलवार जारी करिथिबा रिपोर्टरे कहिछि जे गत सप्ताहरे कोरोना संक्रमणरे प्राय 55% वृद्धि होइछि। तेबे रिपोर्ट अनुसारे एही समय मध्यरे प्राण हराइछन्ते 43,000 रु अधिक लोक, आउ एही संख्या स्थिर रहिछि। आफ्रिका को छाडि दुनियार अन्य देशरे कोरोना संक्रमण बढ़ुछि। केवल आफ्रिकारे कोविड मामला 11% कमिछि। ओमिक्रॉन वृद्धि को दृष्टि रखे टीकाकरण को जोरदार करा जायछि, किंतु आफ्रिकीय देश रे टीकाकरण मंथर गति रे चलिछि। आफ्रिकारे वर्तमान सुधा 85% लोक प्रथम डोज टीका नै नहते। ओमिक्रॉन संक्रमण बढ़ुथिबारु कोरोना गाइडलाइन पालन करबा को परामर्श दिया जायछि। पश्चिमबंगर जलपाईगुड़ी रेल दुर्घटनार तदंत निर्देश। केउ कारण जोगु गौहाटी बिकानेर एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हला, रेल मंत्रालय पक्षरु तार उच्चस्तरीय तदंत कराजिबो। पूरा घटनार उच्चस्तरीय कमिशनर स्तरीय तदंत हेबो। घटना परे रेलबाई बोर्डर अध्यक्ष ओ रेलबाई बोर्डर डीजी दिल्लीरु पश्चिमबंग अभिमुखे बाहरिछन्ते। एथिसह सरकार मृतकंक परिवार वर्ग पाई 5 लाख टंकार क्षतिपूरण, गुरुतर आहतंक पाई 1 लाख और सामान्य आहतंक 50,000 लेखाए टंका घोषणा करिछन्ते। बिकानेरु गुवाहाटी जाउथेबा आज संध्या 5 टारे एही एक्सप्रेस टे दुर्घटनाग्रस्त होइथिला। पश्चिमबंगर नुआ दोमुहाणी एवं नुआ मायनगुड़ी रेल स्टेशन मध्यरे ट्रेन रो 12 टी बोगी लाइनच्युत हो जाइथिला। 4 टी बोगी संपूर्ण भाबे ओलटी पडिथिबा बळे बाकी 8 टी बोगी सामान्य क्षतिग्रस्त होइछि। एही घटनारे 4 जणंकर मृतदेह उद्धार करा जाइथिबा बळे 20 रु अधिक लोकंकु हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइछि। एबे भी ओलटी पडिथिबा बोगी तळे अनेक लोक चापी होइ रहिथिबा कहा जाउछि। उद्धार कार्य जारी रहिछि। आसंधागाली घटनास्थल कु जिबे केन्द्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव। घटना उपरे नजर रखिछन्ति रेलमंत्री। बहुत ही अनफॉर्चुनेट दुर्घटना है। रेस्क्यू पे फोकस है, टोटली रिलीफ रेस्क्यू पे ऑलरेडी मेडिकल टीम पहुंच चुकी है। गैस कटर्स लेके कोच से बाहर निकालने के लिए वो भी पहुंच चुकी है टीमें। सीनियर ऑफिसर्स साइट पे पहुंच चुके हैं और पूरी तरह से हम लोग अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फ़ोन करके पूरे दुर्घटना की जानकारी ली और रेस्क्यू ऑपरेशंस की जानकारी ली है। हमारा फोकस है जल्दी से जल्दी रेस्क्यू पे हो, सभी लोग निकले, मेरे पैसेंजर साथी, और एक्सक्रेशिया भी अनाउंस कर लिया है ऑलरेडी जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्टर्न ने। मैं कल सुबह पहुंच रहा हूँ साइट। इसरो मुख्य हेले एस एस सोमनाथ। रॉकेट इंजीनियर रो इसरो मुख्य पर्यंत यात्रा। दृढ़ इच्छा शक्ति जे असाध्य को साध्य करि पारे ताहा देखिवा को मिलिछि इसरो मुख्य होइतेबा एस एस सोमनाथ कथरे। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर निर्देशक तथा इसरोर प्रमुख वैज्ञानिक एस एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरोर मुख्य पदरे अवस्थापित होइछन्ति। तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर निर्देशक थिबा एस एस सोमनाथ जणे रॉकेट विशेषज्ञ और एयर स्पेस इंजीनियर भावे बेस जणाशुणा। एहा पूर्वरु एस एस सोमनाथ तिरुवनंतपुरम स्थित लिक्विड प्रोफाइल सिस्टम सेंटर निर्देशक थे। इसरोर जिते गुड़े रकेट्रे विकास होती है से महत्वपूर्ण योगदान रही।
स्नातक शेष करने पर एस सोमनाथ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर योग करते तेज प्रारंभिक पर्यायर से पीएसएलवि प्रोजेक्ट काम कर पूर्वापेक्षा अधिक शक्तिशाली है भारतीय पासपोर्ट एवं 60 देश को बिना भिसारे करिपारे यात्रा भारतीय पासपोर्ट एवं पूर्व तुलन में आहरी अधिक शक्तिशाली हो जाए सारा विश्व में भारतीय पासपोर्टर शक्ति पूर्वापेक्षा आहरी अधिक बढ़ी जाए दुनिया सबुठ शक्तिशाली पासपोर्टर रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट एवं 83तम स्थान में रही सूचना योग्य हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी करा ताजा रैंकिंग स्पष्ट हो भारतीय पासपोर्टर शक्ति गत वर्ष आखिदृश्य वृद्धि पाई भारतीय पासपोर्टर यह शक्तिर लाभ समस्त भारतीयों को मिले जहां पाखे भारतीय पासपोर्ट रही भारतीय पासपोर्ट धारक बिना भिसारे ही दुनिया 60 देश को यात्रा करें गत वर्ष पर्यंत भारतीय पासपोर्ट जरिया मोट 58 देश को बिना भिसारे यात्रा करने को अनुमति था एबे देशर चारिआड़े फसल अमल समय यह समय विभिन्न राज्य में आरंभ हुए कृषि भित्तिक उत्सव ओडिशा रे मकर मेला दक्षिण भारत रे पोंगल पंजाब रे लोहरी भली भारतर उत्तर पूर्व राज्य आसाम रे आयोजित हुए आउ एक पर्व कृषि भित्तिक एही पर्व को कहा जाए बिहु बिहु पई एबे चलचंचल आसाम रे विभिन्न अंचल कोविड कटकणा भितरे मध्य पारंपरिक एही पर्व पालन पई चलेछि प्रस्तुति सामूहिक भाव में यह पर्व बा उत्सव पालन हो स्थानीय भाषा यहाँ भोगाली बिहु कहते अमल होता फसल खाद्य प्रस्तुत होता है तेज चलित बर्ष यह पर्व पालन पर कोविड कटका बजार नाना प्रकार सुस्वाद मिठा एवं अन्यान्य सामग्री बिक्री है निजक प्रस्तुत कले लोक पर्व पालन पहले मैं सबको हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से भोगाली बिहू का विश करती हूँ फिर हम लोग का जो ऑर्गेनाइज है सिरो हिल्स कला कृषि केंद्र इस टाइम 14 इयर्स कंप्लीट कर रहा हूँ हम लोग तो गुवाहाटी का जो राइज है ना उसका बहुत रेस्पॉन्स है हम लोग का इस मेला में क्योंकि भोगाली बिहू भूख करता है लोग खाता है पीता है इसलिए जितना सामग्री चाहिए सब यहाँ पे मिलता है पीठा वगैरह रेस्पॉन्स बहुत मिलता है कोरोना है फिर भी रेस्पॉन्स मिलता है कस्टमर बहुत आ रहा है यहाँ पे मैंने अभी तक लिए पीठा लिया है जो आसामीज का होता है हम लोग का पीठा लिया है लाड़ू लिया है नारियल का सीरा लिया है दही लिए क्रीम लिया है ले लिया सब कुछ ले लिया है बिहू अच्छे से करेंगे सब मतलब जब जो जो हम लोग का लोग हैं सबके साथ मनाएंगे घर के लोगों के साथ सो आई एम हैप्पी टू अनाउंस एंड ऑब्जर्व द गैदरिंग हियर इन ओकेजन ऑफ भोगाली बिहू यू नो असमीज हैज गॉट थ्री बिहूज वन इज बोहाग बिहू दिस इज भोगाली बिहू एंड अनदर इज काति बिहू सो भोगाली बिहू इज प्रोडक्टेड एज द बिहू ऑफ गुड फूड गुड थिंकिंग and good idea. So if you see the surroundings, you will see the various shops offering their good food, homemade food, home prepared food, and they have their unique taste. आसाम रो बिहू दक्षिण भारत रो पोंगल आ ओडिसा रो मकर परी एबे उत्तर भारत विशेष करी पंजाब रे मध्य उत्सव रो ऋतु आरंभ हो जाय छि लोहरी कहा जाय लोहरी आ लकड़ी रो रही छि संपर्क लकड़ी अर्थात काठ जलाइबा द्वारा शीत रो मुक्ति मिलिबो बोली धारणा रहितबारो पारंपरिक भाव रे एही पर्व पालन करा जाय थाए शीत दिन रे एही पर्व पालन करा जाउथिबारो निया जालिबा लोहरी रो एक विधान आज पंजाब रो जनसाधारण को तरफ रु विभिन्न स्थान रे एही पर्व पालन करा जिबा सहित किसी स्थान में राजनेता माने मध्य पर्व पालन रे भाग नहीं निज निज भितर मिष्ठान बंटन कर पहले से तो डेफिनेटली यस बट जैसे मैं तो जलंधर से हूँ तो वहाँ पे तो बुरा रहता ही है बट हाँ चंडीगढ़ में भी जैसे सेकंड टाइम है बट यहाँ की तो काफ़ी अच्छी अब लगी रही है हम भी अब जैसे IDFC से हैं तो वहाँ पे भी अब कर रहे हैं सेटअप तो आई थिंक इट्स क्वाइट अ गुड एनवायरमेंट ऑन अ होल तो इट्स गुड बी स्पेसिफिकली इस टाइम तो एवरीवन शुड स्टे सेफ यू नो कीप देयर मास्क अप सैनिटाइज रखें अभी भी जैसे जनता है बट स्टिल सबने मास्क डाला है सो दैट इज अ गुड थिंग
एंड आई फील खाओ पियो बट अपना ध्यान रखो सारे एंड अ वेरी हैप्पी लोहड़ी टू यू ऑल्सो योर फैमिलीज एंड एवरीवन। कोविड को देखते हुए थोड़ा हमारे को बच के ही रहना चाहिए, इसके लिए हम जो बचेंगे हमारा ही फायदा है इसमें, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, हम ना बचा अपने आप ही करना है। यस, कोविड के मतलब के कारण तो पहले से तो कमी हो गया, पहले इतनी रौनक होती थी, अब वैसा कुछ नहीं है, मतलब पहले तो क्राउड भी ज्यादा होता था, कोविड करके बिल्कुल ही कम हो गया है, तो अब इतना नहीं है बट थोड़ा बहुत है अब तो। हाँ वो तो है ही, बिल्कुल फेस्टिवल है वो तो है ही, सेलिब्रेट करना तो जरूरी है बट ये कि थोड़ा सेफली करो, मास्क वगैरह लगा के रखो। शहीद को शेष सम्मान, सीनियर ग्रेट कांस्टेबल रोहित चिप को पार्थिव शरीर को दिया जाए शेष सम्मान। गतकाली जम्मू काश्मीर कुलगांव एनकाउंटर बेले शहीद होते भारतीय जवान रोहित चिप, आज तक पार्थिव शरीर को जम्मू स्थित निज घर को अणाई सेना तरफ शेष सलाम दि जाए शहीद। गतकाली कुलगांव ठारे जैश ए मोहम्मद आतंकवादी सुरक्षा बलर एनकाउंटर होता जो शहीद होते रोहित, एपटे चिन्हट हो गतकाली जम्मू काश्मीर कुलगांव एनकाउंटर में निपात होता आतंकवादी जैश ए मोहम्मद आतंकवादी जन पाकिस्तानी नागरिक जमापड़ ए विषय एक सांबादिक सम्मेलन में सूचना देते सेना अधिकारी। 2011 में भर्ती होके खुद वॉलंटियर होके हमारी स्पेशल पुलिस टीम में काम कर रहा था और इतना अच्छा काम कर रहा था कि अभी 3 ही साल पहले स्पेशल प्रमोशन उसकी होकर के बाकियों से एक रैंक ऊपर बढ़ करके काम कर रहा था। कल के ऑपरेशन में बहुत नमाया काम करते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए ऑपरेशन के दौरान आगे बढ़ करके ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था, जब इसको उस ऑपरेशन के दौरान गोली लगी, मगर बावजूद उसके जो दहशतगर्द वहां पर मौजूद है उसको न्यूट्रलाइज करने में, उसको खत्म करने में इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही। जे आर्मी के जवानों के साथ मिलकर के आगे बढ़ के ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था, जब 3 आर्मी के जवान जख्मी हुए और ये भी जख्मी हुआ, अनफॉर्चुनेटली जख्मों की वजह से इसकी वहां पर मौत वाकई हुई, शहादत हो गई। हमें फख्र है अपने जवान पे जिसने बहुत बहादुरी से इस ऑपरेशन में और इससे पहले कई ऑपरेशन के दौरान काम किया, जिसकी वजह से उसने तरक्कियां भी ली, महकमे से शाबाशी हासिल करी। चलित विधानसभा निर्वाचन में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आसन प्रार्थी भाव निर्वाचन लड़े सूचना मिली। गतकाली बीजेपी एक 10 घंटिया माराथन बैठक दिल्ली में होता, बैठक में केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह जोग देते। बैठक में योगी आदित्यनाथ अयोध्या लड़ा संक्रांत में आलोचना होता अनुमान योगी एवं विधान परिषद सदस्य अच्छा। निकटने योगी कही दलर शीर्ष नेता निष्पत्ति क्रमे से विधानसभा निर्वाचन लड़े, उत्तर प्रदेश विभिन्न गुरुत्वपूर्ण आसन में प्रार्थी चयन करने खुब शीघ्र बीजेपी रो केंद्रीय निर्वाचन कमिटी बैठक हो पारे। अति शीत किंबा अति गरम दिन में मंदिर व कौन से धर्मानुष्ठान परिसर को खाली पादरे जाउथिबा श्रद्धालु भल खबर, एवं सेमानक पई खदी और ग्रामोद्योग कमिशन तरफ तैयारी होई कागज निर्मित जोता। साधारणतः मंदिर व कौन से धर्मानुष्ठान परिसर को जोता व चप्पल पिंधि प्रवेश करिपारे बारण रही थाए, मात्र अति शीत किंबा अति गरम दिन में खाली पादरे तले चलिबा अनेक श्रद्धालु कष्टकर होइथाए। से समस्या को दृष्टि रखी खदी कमिशन तरफ हाथ में कागज रे तयारी स्लीपर निर्माण करा जायछि, खूब कम दाम रे यार बिक्री आरंभ हो जायछि। एहाको प्रथमे काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालु को बिक्री पई उपलब्ध करा जायछि, पूर्वरु झोटरे स्लीपर तयारी करी चर्चा रे थिला खदी उद्योग। वीडियो देखिले टंका मिलिबो एमिति किछि लोभनीय ऑफर दे युवक युवती टंका ठकी नेउछन्ते साइबर ठक ठके हेउतेबा अकाउंट भुवनेश्वर एक ब्रांच रे जणा पडिबा परे भुवनेश्वर ही एही ठके हेउतेबा अनुमान करा जाउछि। राज्यर हजार हजार युवक युवती ठकेर शिकार हेबा परे एने साइबर थाना रे एतला दिया जायछि। ठकेर नुआ तरीका वीडियो देख टंका कमा टंका हरैलेनी हजार हजार युवक गोटे मिनिट्रे भिड देखे आप रोजगार करें हजार हजार टंका
ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ ଯେ ମୋବାଇଲରେ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଜଣେ କିପରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କିଛି ଲୋଭନୀୟ ଅଫର୍ ଦେଖାଇ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ ଠକେଇ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କେବଳ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶହ ଶହ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏହି ଠକେଇ ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଟଙ୍କା ହରାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଠକେଇ ଟଙ୍କା ଯାଉଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ବ୍ରାଞ୍ଚର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ, ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗଲାପରେ ପଇସା ବି ମୋତେ ଆସିଛି, ହେଲା ମୋତେ ପଇସା ଆସିଛି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱିକ୍ଲି ସୋମବାର ଦିନ ପେମେଣ୍ଟ ଆସେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ, ପଇସା ବି ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ପଇସା ମାନେ ଛଅ ହଜାର ପାଞ୍ଚ ସାତ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ରେଫର୍ କଲି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପଇସା ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଫଳରେ ସେମାନେ ମାନେ ମୋତେ ଦୋଷୀ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ହେଉଛି, ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଲମ୍ବିଛି। VWEM.in ନାମକ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଅଫର୍ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ 1250, 2500 ଓ 5500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନକୁ 30 କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ଏହାପରେ ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ହେଲେ ଏକାଧିକ ଲୋକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲାପରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ଆସୁନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଓ ଟଙ୍କା ଦେବା ଆଗରୁ ଏହା ଫେକ୍ କି ନୁହେଁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପ୍ର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଜଏନିଂ ଫିସ୍ ସମଥିଙ୍ଗ 6000-7000 ରହୁଛି, ଆଉ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚିଟିଂ। ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଫ୍ରଡ଼୍ କମ୍ପାନୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ପଇସା ବୁଡ଼ିବ ହିଁ ବୁଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ କାହିଁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ସେ ନେବେ କେଉଁଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, କେଉଁଠି ସେମାନେ ପଇସା ରିଟର୍ନ କରିବେ କେମିତି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଦେଖିକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା କଥା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର୍ ଆସୁଛି, ଏଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇବର ଠକେଇ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଆସିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଅନ୍ଧାର ଶୀତ ରାତିରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଦୋଳାରେ ବୁହାଲେ ପ୍ରସୂତି, ସେପଟେ ବୌଦ୍ଧରେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ସାଇକେଲରେ ନିଆଗଲା ମେଡିକାଲ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ କେବେ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି? କେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି? ଚୁପ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଚେତୁନି ପ୍ରଶାସନ, ଖରାପ ରାସ୍ତାର କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି ମଣିଷ। କେଉଁଠି ଦୋଳାରେ ବୁହା ହେଲାଣି ପ୍ରସୂତି, ଆଉ କେଉଁଠି ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି ରୋଗୀ। ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର, ଆଉ ଏଥର ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଛି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଗର୍ଭବତୀ ଜଣକ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଆଙ୍କୁଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଏଲଗୋଲ ଗାଁର ସରୋଜିନୀ କାର୍ଜୀ, ରାତି ପ୍ରାୟ 2 ସମୟ ହେବ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିନଥିଲା, ଫଳରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଦୋଳା ସାହାଯ୍ୟରେ 5 କିଲୋମିଟର ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ବୋହି ଆଣିଥିଲେ। ପରେ ଡଙ୍ଗାରେ 30 ମିନିଟର ଯାତ୍ରା କରି ବାଘଲଟି ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାର କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ପାତ୍ରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଲଗୋଲକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି ହେଉଛି, ହେଲେ ନା ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉଛି ନା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯାଉଛି। ସେପରି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ସାଇକେଲରେ ବୁହାଲେ ରୋଗୀ। ଗତ 4 ହେଲା ଜ୍ୱର ବାନ୍ତିରେ ପଡ଼ି କଲବଲ ହେଉଥିଲେ ଭାଳିଆପଦର ଗାଁର ଦିନି ଖେତି, ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଯିବାରୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ସକାଳୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଦେହ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ, ହେଲେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ସାଇକେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ 1 କିଲୋମିଟର ପଶାଇ ସୋନପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ବୌଦ୍ଧର ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ନଜର ରହିଛି। ଗର୍ଭବତୀ ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ଏମିତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ମନକୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି କି? କାହିଁକି ନିଆଯାଉନି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ? କଷ୍ଟରେ ପୁନଃଚ୍ଛେଦ କେବେ? ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସବୁ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କହିଛି, ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।